हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग, हमने लास्ट वीडियो में देखा था एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है, कैसे करते हैं एक्सेस मैनेजमेंट और क्या होता है बिल्ट इन रोल्स, रोल डेफिनेशन हमने देखा था, रोल असाइनमेंट हमने देखा था, ठीक है। सो आज हम लोग करने वाले हैं एक डेमो, ठीक है। जो डेमो हमारा रहने वाला है वो है क्रिएटिंग अ कस्टम रोल डेमो, ठीक है, कि कस्टम रोल डेमो कैसे क्रिएट करते हैं। सो हम लोग वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं और मिलते हैं अपने पोर्टल पर। तो पोर्टल पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता था, टू क्रिएट कस्टम रोल वी नीड टू क्रिएट अ रोल डेफिनेशन, ठीक है। पहले मुझे रोल डेफिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा, तो चलते हैं और क्रिएट करते हैं एक रोल डेफिनेशन, ठीक है। और हमें एक कस्टम रोल का एक स्क्रिप्ट भी चाहिए होगा, जिसको अपन गूगल पे जाके भी कर सकते हैं। गूगल पे जाके आपको सिंपली टाइप करना है क्रिएट अ कस्टम रोल इन एज्योर यूजिंग जेसन स्क्रिप्ट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। हम वहां देखिए आ चुके हैं गूगल पर, ठीक है। और गूगल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करने वाला हूँ क्रिएट अ कस्टम कस्टम रोल इन एज्यूर यूजिंग जेसन स्क्रिप्ट, एंटर, ठीक है। यहां पे आप आओगे, आपके सामने मिलेगा एक ट्यूटोरियल, इस पर आप क्लिक करना, ठीक है। और ये मिल जाएगा आपको एक सिंपल सा, चलिए इसको उठा लेता हूं मैं। सिंपल ये एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये कोई भी हो सकती है, इसमें कोई फर्क पड़ता है। आप उनको बस, आपको बस इसमें से कुछ चेंजमेंट्स करने होंगे, वो चेंजमेंट अपन कर लेंगे। इसको करने के बाद आप सबको खोलना है अपना विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। और ये मैंने कर दिया इसको पेस्ट, ठीक। पेस्ट करने के बाद मैं यहां पे इसका नाम चेंज करने वाला हूं और इसका नाम मैं रखूंगा वर्चुअल मशीन ऑपरेटर, ठीक है। इन कस्टम में मेरा ट्रू रहने वाला है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में मैं इसमें डाल दूंगा, इसे हम चेंज कर देंगे, लिखूंगा कैन स्टार्ट वीएम वर्चुअल मशीन, कैन रीस्टार्ट वर्चुअल मशीन और कांट स्टॉप, मतलब कि वो स्टार्ट कर सकता है और रीस्टार्ट कर सकता है, बट वो स्टॉप नहीं कर सकता है ना। डिस्क्रिप्शन मैंने यहां पे दे दिया, ठीक। अब हम बात करते हैं एक्शंस की। तो एक्शंस में मुझे कुछ चीजें चेंज आउट करनी होंगी, तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें ना आपको कुछ टाइप करनी होंगी चीजें, तो मैं इसमें थोड़ा टाइप कर लेता हूँ, राइट। तो आप लोग भी टाइप कर लेना, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज स्टार रीड, ठीक है। तो आपको ये कहाँ मिलेगा ना, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि भाई अगर मुझे नहीं करना है तो मैं क्या करूं, ठीक है। सो आपको ये करना है, आप सिंपली गूगल पे जा सकते हो एंड यहां पे आपको टाइप करना होगा रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल रिसोर्स प्रोवाइडर ऑपरेशंस, ठीक है। और यहां पे आपको क्लिक कर देना है, सिंपल आपको ना यहां पे माइक्रोसॉफ्ट डॉट कंप्यूट ढूंढना होगा, ठीक है। ये रहा, इस पर आप क्लिक करोगे ना तो ये सारे इसमें रोल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे अगर वर्चुअल मशीन का चाहिए तो मैं सिंपली कंट्रोल एफ करूंगा और लिख दूंगा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो यहां मिलेंगे सारे के सारे रोल्स आपको वर्चुअल मशीन के ऊपर, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पे सिर्फ वर्चुअल लिख देता, ठीक है, तो आपको यहां सारे मिल जाते, ठीक। देखो वर्चुअल मशीन रीड का है, राइट का है, डिलीट का है, बस आपको यहीं से कॉपी करने होंगे एक करके, है ना। आप चाहते हो कि वो रिमूव कर सके वर्चुअल मशीन, तो आप इसे कॉपी करके डायरेक्टली यहां पेस्ट करते जाओ, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, मैं तो खैर नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको लिखना प्रेफर समझा इस वक्त, क्योंकि मुझे मैनुअली करने होंगे। ठीक है, मैं टाइप कर लेता हूँ फटाक फटाक से। ठीक है, यहां तक आपको लिख देना है। यहां लिखने के बाद आपको ना यहाँ पे आपको अपना सब्सक्रिप्शन आईडी यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक। और सब्सक्रिप्शन आईडी आप कहाँ से मेंशन कर सकते हो, आप अपने पोर्टल पे जाना, ठीक है। इसको मैं यहां से बंद कर देता हूँ इसको भी, और यहां पे आप सिंपली टाइप कर सकते हो सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और यहां पे टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे आना है और यहां पे आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन आईडी, ठीक है। यहां से भी कॉपी कर सकते हो या फिर इसे क्लिक करके सब्सक्रिप्शन के अंदर आ सकते हो एंड यहां से कॉपी कर सकते हो। यहां कॉपी करने के बाद आपको सिंपली यहां पे पेस्ट कर देना है एंड कंट्रोल ऐसे आप इसको सेव करोगे डेस्कटॉप पे जाकर के, और इसे किसी भी नाम सेव कर सकते हो। सपोज मैं कर लेता हूं इसको कस्टम डॉट जेसन, ठीक है, सेव। ये मैंने यहां से कर लिया, ठीक। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे इस फाइल को अपलोड करना है अपने पोर्टल पे जाकर के, ठीक है। तो मैं सिंपली जाऊंगा अपने, यहाँ पे आ गए हम सबसे बाहर और यहाँ आ जाएंगे हम बैश के अंदर, ठीक है। यहां से मैं बैश के अंदर आ जाऊंगा सीधे,
क्रिएट स्टोरेज, एक स्टोरेज वो क्रिएट करने को कहता है। ठीक है, तो आपको सिंपली एक स्टोरेज क्रिएट कर लेना है, क्योंकि स्टोरेज पे ही सारा काम होता है इसका। ठीक है, सो ये क्रिएटिंग पे है अभी। ओके, वैसे तो आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आके आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ऊपर। ठीक है, दिस वन इज अपलोड। यहाँ पे बाद आपको अपनी कस्टम फाइल उठा लेनी है एंड सिंपली यहाँ पे आपको कर देनी है अपलोड। सी दिस, अपलोड डेस्टिनेशन होम या क्लाउड के अंदर यहाँ आगे लिख करके अपलोड कंप्लीट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, ए जेड एक कमांड टाइप करेंगे, रोल डेफिनेशन क्रिएट, थोड़ा जूम कर लूं गया इसको। ठीक है, क्रिएट हाइफन हाइफन रोल, ठीक है, हाइफन डेफिनेशन स्पेस इसका नाम कस्टम डॉट जेसन, एंटर। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये रोल क्रिएट हो गया है। ठीक है, और मैं आपको जो कस्टम फाइल है वो अगर आपको चाहिए होगी तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कर देना कि आई नीड कस्टम फाइल्स, तो मैं उसको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के वो फाइल वहां से नॉर्मली आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो मैंने यहां से इतना कर दिया है, अब मुझे करना क्या है, इसको वेरीफाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं जाता हूं अपने सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, सिंपली आपको अपने पोर्टल में आ जाना है, और आप आ जाओगे सब्सक्रिप्शन पे, और यहाँ पे आ जाओगे सब्सक्रिप्शन के अंदर। यहाँ आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेस कंट्रोल का, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है एक्सेस कंट्रोल पे, और यहाँ पे आपको जाना है रोल्स में। ठीक है, आपको कहाँ मिलेगा ये रोल मैं बताता हूँ, वेरीफाई कर लेते हैं इसको हम कि हमने जो बनाया है वो है कि नहीं है। ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, कस्टम पे कर देता हूँ। ठीक है, सो सी दिस, ये रोल मैंने क्रिएट किया था। ठीक है, तो आप यहाँ डिटेल पे जाओगे, आपको यहाँ से मिल जाएगा एक्शंस। ठीक है, क्या एक्शंस इनमें मैंने दिए हुए हैं, तो लाइक जो भी चीजें होंगी वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, रीड की क्या परमिशन है, ठीक है, राइट की क्या परमिशन है, जो भी है कस्टम रोल्स की वो तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। आप जैसन फॉर्मेट देख सकते हो, जो हमने ये फाइल लिखी थी वो फाइल हमें यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, सो ठीक है गाइस, यही था आज का वीडियो, और मुझे आपको दिखाना था कस्टम रोल्स कैसे हमें क्रिएट करते हैं। ठीक है, और हम सिंपली इसको जाकर के यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, सो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, आप यहाँ पे नॉर्मली जाकर के इसे क्रिएट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। सो ठीक है गाइस, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है, नीचे सी यू नेक्स्ट टाइम।